मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा लगता है अप्रैल अंत तक एक्टिव केस 1 लाख हो जाएंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई सामान्य हो गई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति शुरू की जा चुकी है, हमने 1 लाख इंजेक्शन मंगाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मौलश्री का पौधा लगाया। उन्होंने कहा, जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, अप्रैल अंत तक एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान है। इसको हम उसके पहले रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है। केंद्र से हमने चर्चा की, पूरी उपलब्धता है। ऑक्सीजन की कमी है तो लोग भंडारण करने लगते हैं। उन्होंने कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, हमने 1 लाख इंजेक्शन मंगाए हैं। कंपनियों से प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा है। 350 वेंटिलेटर भी केंद्र सरकार से जल्द मिलेंगे। हमने 1 लाख इंजेक्शन के ऑर्डर्स दिए हैं, आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। परसों 2000 मिल गए थे, आज फिर मिलेंगे। उसके लिए हम टेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने, क्योंकि जल्दी चाहिए थे, तो कुछ आदेश ऑर्डर सीधे कर दिए। तो इंजेक्शन भी प्राप्त होना प्रारंभ हो गए हैं। इंजेक्शन का भी प्रोटोकॉल है, किसको लगना है किसको नहीं लगना, तो डॉक्टर्स उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ही जिस पेशेंट्स को ज़रूरी है इंजेक्शन लगाएंगे, ज़रूर लगाएं। और वो भी हम लगातार कोशिश करेंगे। प्राइवेट को भी हमने टाई अप करवाया कंपनी के साथ। ये तो सरकारी क्षेत्र में मंगा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में भी मिलते रहें, उसके लिए भी कंपनी से टाई अप करवाया है। जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है, बेहतर से बेहतर, क्योंकि परिस्थितियाँ तो जैसी है वो पहले हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन हम कोई कसर इससे निपटने में नहीं सोचेंगे। वेंटिलेटर की भी हम अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भारत सरकार से इसी सप्ताह 350 वेंटिलेटर हमको और मिल जाएंगे। तो जो बेहतर से बेहतर संभव है वो करेंगे। लोग चिंता ना करें, बस सहयोग करें। संक्रमण फैलना से रोकना, ये सबसे बड़ा सहयोग है। अपने आप को सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़ा सहयोग है। आप बीमार ना हो, बाकी हम निपटेंगे, और बीमार ना हो इसलिए अनावश्यक घर से ना निकलें, भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं तो जरूर लगाएं और दूरी बनाए रखें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।